ये जो स्थिति है ना, ये वाली है, इसमें हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको क्या कहते हैं, चेतन मन, वो सोया रहता है। तो समझ में आ रही है एक बात कि ये जिनी कितना बड़ा वेपन हमारे पास है। सोचो, जो कुछ भी कर सकता है वो हमारे पास है, फिर भी हम बेचैन परेशान, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये हमारी नहीं सुनते, वो हमारा काम नहीं करते, ये जिनी हमारे आदेशों को मानता है, हम इसको जो आदेश दे दें वो करता है। समझ में आ रहा है? तो इस जिनी का गलत प्रयोग तो नहीं करोगे अभी, कोई नहीं करेगा पक्का, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग हमने कब से करनी है? अमृत वेला, वेरी गुड, हमें कब से करनी है? अमृत वेला, ठीक है। तो अमृत वेला कैसे प्रोग्राम करेंगे अपने माइंड को? ये जो स्थिति है ना, ये वाली है, इसमें हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको क्या कहते हैं, चेतन मन, वो सोया रहता है। आप सो के उठ गए हो, लेकिन वो उठने में 5-10 मिनट लगाएगा, वो सोया रहेगा, आप उठ गए हो। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर चौका मार दो। क्या चौका मारना है? क्योंकि अगर ये जाग गया और उस वक्त अगर आप ये बोलेंगे कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, तो ये जागते ही बोलेगा कहां स्वस्थ, तो क्यों झूठ बोलते हो? होता है ना ऐसा, है ना? लेकिन जब सोया हुआ है, आप बोलेंगे मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, सोया पड़ा है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो कौन सुन रहा है फिर? अवचेतन मन। हमारा मन दो तरह से काम करता है, चेतन अवचेतन, समझते हैं बात? चेतन में केवल 10% पावर है, यानी चेतन के पास 10% पावर की ही अथॉरिटी है, लेकिन अवचेतन के पास 90% पावर की अथॉरिटी है, 90%। और हमें क्या करना है? अपना मैसेज अवचेतन के पास पहुंचाना है, कैसे भी करके। अगर हमारा मैसेज अवचेतन के पास पहुंच जाए तो कमाल हो जाएगा, लेकिन हम में से 99% क्या 100% ही कहेंगे आज के दौर में, इसमें फेल हो जाते हैं अवचेतन तक अपना मैसेज पहुंचाने में। आपको जीवन में जो चाहिए, सुख समृद्धि सफलता, अपने रिश्ते अच्छे करने हैं, केवल अपने अवचेतन तक वो मैसेज पहुंचा दीजिए। और उसका सबसे बेहतरीन समय है सवेरे। यानी एक तो होता है खेत को जुताई करके तैयार करना, एक होता है खेत तैयार मिलना, आपने केवल उसमें बीज डालने हैं, और एक होता है उसकी जुताई करो, पानी खाद डालो, है ना, फिर उसमें बीज डालो, तो मेहनत कौन से में है ना। तो यहाँ पे क्या है, हम सवेरे उठे, खेत तैयार है, यानी मन का जो ये खेत है, मन की जो सतह है, एकदम उपजाऊ है। जब हम सवेरे सोकर उठते हैं, बिल्कुल उपजाऊ है। हमने क्या करना है, केवल उसमें बीज डालने हैं, लेकिन बीज वो डालेगा ना जिसके पास बीज होंगे। अब बीज ही ना हो, आपकी सतह कितनी भी उपजाऊ क्यों ना हो, बीज डाल लोगे? बीज है ही नहीं, कैसे डालोगे? तो बीज बताओ क्या क्या है फटाफट, जल्दी जल्दी। शुद्ध संकल्प, एक एक संकल्प जल्दी जल्दी बोलो सभी, एक एक संकल्प। किसी का संकल्प किसी से कॉपी ना हो, सबका संकल्प अलग अलग होगा, है ना, फटाफट बोलो। भाइयों से शुरू करेंगे इस बार। हाँ जी, आप श्रेष्ठ आत्मा हैं, वेरी गुड। बताओ, भोली भोली माताएं कितने अच्छे अच्छे संकल्प करती हैं।
मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कोई एक बोले आप सब स्वीकार करना, ये मत सोचना इसने ये बोल दिया अब मैं क्या बोलूँगा। कभी अपना चिंतन में लगे रहो, कोई बात नहीं बोलता है तो, लेकिन जिसने बोला है उसको स्वीकार करो आप, ठीक है। मास्टर रचयिता हूँ, वेरी गुड गुड। अरे वाह, किसने बोला? आप हो खुश नसीब, वेरी गुड। हाथ उठा के बोलो मैं विजयी आत्मा हूँ, विजयी रत्न हूँ, बोलो स्वीकार करो। मैं विशेष आत्मा हूँ, स्वयमान मन का सबसे सुंदर श्रृंगार है, स्वीकार करते जाओ ये खजाना जो मिल रहा है, खा जाओ इसको। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, मैं पूर्वज हूँ, विश्व का आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ, मैं बहुत 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 शक्तिशाली आत्मा हूँ। नेक्स्ट, अरे वाह, मैं सूर्यवंशी देवी हूँ, वाह, मैं श्री लक्ष्मी हूँ, मैं अवतरित फरिश्ता हूँ, अनुभव करो सभी कि मैं ये हूँ, आई एम एन एंजल, अंग अंग से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है, बहुत तेज, और तेज करो इसे, अपने ही हाथ में है, जैसे फैन को स्लो फास्ट करते हो ना, ऐसे अपनी लाइट को और बढ़ाओ, बहुत दूर दूर तक फैलाओ, अपने पंखों से देखो लाइट निकलती हुई, हिलाओ अपने पंखों को, हिल रहे हैं, लाइट निकालो इनसे, नैनों से देखो दो लाइट के बल्ब चलते हुए, मस्तक के मध्य मणि चमकती हुई, और मस्तक पे लाइट का क्राउन चमकता हुआ, दिख रहा है स्पष्ट, देखना पीछे एक लाइट का क्राउन घूमता हुआ पवित्रता का, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैलती हुई, ये जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर सीन है ये। और बोलो मैं मास्टर सुख दाता हूँ, अपने आप को देखो लाइट की फॉर्म में, मेरे नेत्रों से, मेरी हथेलियों से सुख की पीली किरणें पूरी धरा पर पड़ रही हैं, देख रहा है सभी को, अपना हाथ ऐसे कर लो देवियों देवताओं, और नीचे देखो बहुत बड़ा विशाल गोला घूम रहा है मेरी आंखों के सामने, बिल्कुल सामने घुमाओ उस गोले को, और यहाँ से किरणें समा रही हैं। मैं मास्टर सुख दाता हूँ, धरा पर पाठ बजाने वाली हर एक आत्मा सुखी हो रही है, हर एक आत्मा को देखो धरा पर मुस्कुराते हुए, देखिए मुस्कुराते हुए। और बोलो मैं, दो एक साथ बोल रहे हैं, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं वो हूँ जो माया को उठा उठा के पटकता है, नहीं माया मेरे सामने ठहर नहीं सकती, माया क्या है, कौन है माया, किसने बोला युगल, कौन है माया, कौन बताएगा माया कौन है, चीटी है, ऐसे पकड़ के ऐसे कर दो, हैं, वेरी गुड, कौन है माया, मत, वेरी गुड, कमजोरी, हमारी कमजोरी माया है, हैं, कभी कभी तो कोई ये कह देता है मेरे युगल ही माया है, कोई कहता बच्चे ही माया है,
कोई कहता धन माया है, धन पैसे को माया कहते हैं, वो माया है। कमी कमजोरियाँ, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये सब चीज़ें हैं ना, ये माया है। ये वेश बदल बदल के आती हैं, ये शरीर माया है, ये शरीर भी माया है, सुनो। शरीर तो सत्य में भी होगा तो वहाँ भी माया होगी क्या है? शरीर को जब हम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को आधार बनाकर यूज करते हैं तब ये शरीर माया है। जब सुख शांति पवित्रता प्रेम को आधार बनाकर शरीर का यूज करते हैं तब ये एक यंत्र है, एक साधन है मात्र, ठीक है, और सुख देने वाला है। इसके बिना कुछ नहीं कर सकते हम। अब ये क्लास चल रहा है बिना शरीर के, ये बाजा है ना, बज सकता था क्या? ठीक है, तो ये माया नहीं है। धन को माया कहते हैं, धन माया नहीं है। लेकिन जब धन का दुरुपयोग करते हो तो दुर्योधन बन जाते हो, तो माया है। और बताओ। अरे वाह, मैं मास्टर शांति। हाँ, पहले तो ऐसे खड़ा हुआ, क्या देखा, थोड़ा चेहरा ऊपर करो, ज्ञान सूर्य दिख रहे हैं, कितनी तेज लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है, देखो ना, जैसे सूर्य के सामने खड़े हो जाओ तो गर्मी लगेगी, लेकिन शिव बाबा जो सूर्य हैं, ठंडी ठंडी किरणें मेरे चेहरे पे डाल रहे हैं। डाल ली, अब इसी चेहरे को नीचे कर लो और हाथ भी थोड़े ऐसे झुका दो, ऐसे। अब नीचे क्या दिख रहा है हमें? ग्लोब। मेरे नैनों से, उंगलियों से ये सुख का प्रकाश, शांति का प्रकाश धरा पर पड़ रहा है। रंग दो, सुख का पीला, शांति का नीला रंग बरस रहा है, जैसे होली में बरसता है, और पूरी धरा रंग रही है इस रंग में। एक हाथ ऐसे करो जैसे दादी जानकी जी को देखा है करते हुए, और इसे यहां देखो, ये मैंने फरिश्ते ने गोला, ये धरती का गोला हथेली पे उठा लिया है, आ गया हथेली पर, देखना जरा हिला के, आया, ये रहा, देखो कैसे मेरी हथेली पे घूम रहा है, और मेरे नैनों से शीतल किरणों की फव्वारें इस गोले पर पड़ रही हैं। गोले के चारों तरफ ये फव्वारे मारो, जैसे पाइप से गाड़ी धोते हो ना, चारों तरफ से ऐसे धुलाई करो इसकी, एकदम शीतल शीतल कर दो इसे। ओम शांति। नेक्स्ट बोलो, मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। माता जी ने सोच लिया है जिस जिस स्वामान को मैं विजुअलाइज नहीं करती सारे कबीर भाई से करवाऊंगी आज। मैं आधार और उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। कौन करेगा उद्धार, कौन करेगा उद्धार? चलो इसके लिए एक सीन बनाते हैं, देखते हैं। वृक्ष, वृक्ष देखा है? वृक्ष को ऐसे सामने लाओ, पकड़ लो, दिख रहा है वृक्ष सामने है? मुझे नहीं देखोगे, वृक्ष को देखोगे, दिखा? वृक्ष को पलट दो, उल्टा कर दिया, उल्टा वृक्ष। ये जड़े ऊपर है, ये रहा तना, और ये रही ब्रांच, ये रही पत्तियाँ, आ गया पूरा वृक्ष, आ गया माता है ना, आ गया ना, ये रहा देखो, ये देखो, ये जड़ों के ऊपर मैं बैठा हूँ फरिश्ता, बैठ जाओ लाइट की देह में, बहुत पावरफुल स्थिति में स्थित बैठे हो ऐसे एकदम जड़ों के ऊपर। मेरे सर के ऊपर सर्वशक्तिमान शिव बाबा की किरणें पड़ रही हैं।
मुझ में समा रही है। मेरी लाइट की कंचन काया में प्रवेश कर रही है। ये कितना अद्भुत सुखदाई नजारा है, मन को प्रफुल्लित करने वाला है। बात करेंगे खुद से धीरे धीरे, मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। मेरे अंग अंग में बाबा की लाइट ऐसे दौड़ रही है जैसे शरीर में खून दौड़ता है। अच्छे से देखो मुस्कुराकर, मुस्कुराकर देखो। अब ये लाइट पूरे वृक्ष में समा रही है, वृक्ष में समा रही है, दिख रहा है ये समा रही है। और ये जितनी भी आत्माएं है ना जो पत्तियों के रूप में हैं, इनमें जा रही है। संकल्प करो इनका उद्धार हो रहा है, इनका कल्याण हो रहा है। सभी बोलेंगे इन आत्माओं का कल्याण हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, ये दुखों से छूट जाएं, इनका जीवन खुशियों से भर जाए, इन्हें ईश्वर की सच्ची पहचान मिल जाए, इनके रिश्ते ईश्वर से बहुत सुंदर बन जाएं। ओम शांति।